झारखंड की खान उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर एक बार फिर सबको हिला दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में हाल के दिनों में ईडी की छापेमारी में जब्त किए गए मोबाइल से बेआई गंदी तस्वीरें मिली है। इनके व्हाट्सएप चैट में अयाशी के ढेर सारे प्रमाण देखे गए हैं। हाल के दिनों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खासे आक्रामक रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को अचानक ट्वीट कर फिर से सरकार की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने लिखा, सूत्रों के अनुसार जो झारखंड में जब्त मोबाइल से जो फोटो व व्हाट्सएप चैट मिला है वह झारखंड के पदाधिकारियों व नेताओं को मुंह ढकने के लिए मजबूर करेगा। इसका संदर्भ समझे तो निशिकांत का इशारा ऐसी अश्लील तस्वीरों या वीडियो क्लिप आदि से है जिनके सार्वजनिक होने या लोगों के सामने आने के बाद कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। निशिकांत दुबे ने इसी ट्वीट की अगली पंक्तियों में लिखा है कि मोबाइल में मिले फोटो और चैट देखकर देश को लगेगा कि आज के दौर का हमारा राज्य झारखंड पुराने दौर के लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के जमाने का है, जहां की विलासिता ही सब कुछ है। निशिकांत के इन पंक्तियों के मायने समझे तो उन्होंने इसे नैतिकता को ताक पर रखकर किए गए छैलापन और भोग विलास से जोड़ा है। इधर एक और ट्वीट कर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि भ्रष्टाचार में राज्य सरकार का संरक्षण नहीं पार्टनरशिप चल रहा है। झारखंड के सभी जिला खनन पदाधिकारियों ने ईडी की पूछताछ में खुलकर ये बताया है कि प्रत्येक महीने में उनको राजा से लेकर राजदरबारी तक कितना फिक्स देना पड़ता है। साहिबगंज से लेकर भागलपुर के सोने के व्यापारियों ने कितना ब्लैक पैसे को जेवर सोना व हीरा में सफेद किया। और हाँ, एक और बात, पूजा सिंघल से जुड़े हर एक अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।